हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक बाइकर में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ यो बाइक्स के सर्विस कंट्री में। ये यो बाइक का सर्विस सेंटर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं आज कर रहा हूँ यो एच का रिव्यू। दोस्तों, ये गाड़ी चलाने के लिए कोई भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हेलमेट लगाइए और आप कहीं भी जा सकते हैं। हेलमेट खुद की सेफ्टी होती है दोस्तों, ज़रूर लगाएं। और इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड है 35। देख सकते हैं आप लोग 35 की स्पीड में ये चल रही है। जब मैं एक्सलेटर छोड़ता हूँ तो स्पीड इसकी कम हो जाती है। इसमें एक फीचर्स है, यहाँ ग्रीन बटन जब दबाता हूँ उसके बाद जब पिकअप दूंगा तो ये गाड़ी उसी स्पीड में चलेगी। ये है लेफ्ट इंडिकेटर, ये डिजिटल मीटर है इसमें। इसके पास में आप लोगों को सिग्नल भी मिल जाता है जब इंडिकेटर जलता है। और अब ये है राइट इंडिकेटर। गाड़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। जो कंपनी वालों ने इसमें काम बहुत ही अच्छा किया है। पीछे से देखने में इंडिकेटर कुछ ऐसा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है यो बाइक की स्टिकर। ये देखिए, पीछे बंदे जो बैठते हैं उनको बैठने के लिए भी अच्छा स्पेस दिया गया है। पैर रखने के लिए भी अच्छा स्पेस दिया गया है। ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील है, ड्रम ब्रेक है। ये देखिए स्टिकर यो एच का लिखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन जो लाइट में मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ रेडी लिखा हुआ है, READY, रेडी। जब ये रेडी हो जाती है चलने के लिए वहाँ पे लिखाता है रेडी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये ग्रीन बटन जब मैं दबाता हूँ और जब मैं पिकअप देता हूँ, पिकअप देने के बाद जब ये ग्रीन बटन दबाऊंगा, देखिए जब मैंने दबा दिया ये ग्रीन बटन, अब ये गाड़ी है बिल्कुल उसी स्पीड में चलते रहेगी, 35 की स्पीड में। और देख सकते हैं आप लोग, मैंने एक्सलेटर छोड़ रखा है, ब्रेक छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है, लेकिन गाड़ी उस स्पीड में ही चल रही है। तो इसमें ये एक खास फीचर्स है, जैसे ही आप वापस से मैं ग्रीन बटन दबाता हूँ, ये नॉर्मल फिर से अपनी उसी कंडीशन में आ जाती है जिस कंडीशन में नॉर्मल स्कूटी होती है। 60 वोल्ट की बैटरी, 60 वोल्ट की गाड़ी है दोस्तों, और इसमें 5 बैटरी है। ये एक बार फुल चार्ज करने पर 60 किलोमीटर बिल्कुल आराम से चल जाती है दोस्तों। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।